यार कितने दिनों बाद बाहर आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है यार। ठंडी ठंडी हवा, खुला खुला आसमान। कल फिर बॉल बॉल खेले। चलो खेलो। चल। अरे बॉल कहाँ चली गई यार, जल्दी देख गाड़ी के नीचे आ जाएगी। वाओ यार ये बॉल क्रश होती है, कितनी अमेजिंग लग रही थी, सो सैटिस्फाइंग। हमें और भी चीजें ट्राई करनी चाहिए, क्रश करके देखना चाहिए। क्या हाल हुआ इन बॉल्स का यार, अब हम देखने वाले हैं पीछू पीछू कैसे लगते हैं टायर के नीचे। बेचारे आज मरने वाले हैं। आई मिस यू पीछू पीछू कुचुंबर। एंड अब हमारे फेवरेट बलून्स जिनमें बहुत सारा पानी है यार। ओह मैन ये कितना अच्छा था। डॉल का क्या हाल हुआ है, स्लाइम को कुछ नहीं हुआ गाइस। ये बेचारी डॉल ये जीना चाहती थी पर इसका मर्डर हो चुका है गाइस। कितनी अच्छी लग रही थी ये सारी चीजें, स्क्विश होती हुई, क्रश होती हुई गाड़ी के टायर के नीचे। वैसे बाय द वे आपकी कौन सी फेवरेट थी, मेरे तो बलून फेवरेट थे। कमेंट में जरूर बताना आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और अभी वीडियो में आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको और भी बहुत सारी चीजें, स्क्विश होते हुए, क्रश होते हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखा आपने कितना अमेजिंग था उन चीजों को क्रश होते हुए देखना, स्क्विशी क्रंची और बहुत ही सैटिस्फाइंग। मैं तो सच में ड्राइव कर रहा था बट मैंने बाद में जो क्लिप्स देखी ना कितनी सैटिस्फाइंग थी यार। वाज सो सैटिस्फाइंग। एंड यही है हमारी आज की वीडियो। हम देखने वाले कुछ ऐसी वीडियोस जो कि हमें बहुत ज्यादा एक्साइट, सरप्राइज और सैटिस्फाई करने वाली है। और हमें ये तीनों में से कुछ नहीं होना। कोई एक्सप्रेशंस नहीं देने, कोई इमोशंस नहीं दिखाने, कुछ बोलना नहीं है। वाओ अमेजिंग ईयू ईयू या कुछ नहीं, नथिंग। हमें सिर्फ वी कैन एक्सप्रेस बाय सेइंग थिंग्स बट हम लोगों को कुछ भी ऐसे इमोशंस नहीं दिखाने बेसिकली। तो जो भी जल्दी से अपने इमोशंस दिखा देगा 5 times 5 हार्ट्स मिलेंगे हम दोनों को, वो हार जाएगा। आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? यस आई एम सुपर रेडी। बल्ब बल्ब लेके क्रश करने वाले हैं, ऐसे फेंका ऐसे दिवाली का पटाखा फेंका हो। करिए कॉस्को की बॉल तोड़ दी यार, मैं खेलता हेयर स्प्रे बर्बाद कर दिया। हेयर स्प्रे नहीं था, आई थिंक फोम स्प्रे था, शेविंग फोम। टीवी का रिमोट। ओह लॉली सो क्यूट। ओह लॉली सो क्यूट। ओह प्रेरणा। ओह यार मैंने कहा था ये मेरे लिए बहुत टफ होने वाला है गाइस। ओके यार ऑफ कोर्स, मतलब It's too cute, lollies है, these are lollies यार। तेरा मन नहीं कर रहा shred करने से पहले उससे ले लूँ और एक लेने का मन कर रहा है actually मैं। कितनी सारी lollies है, ओ ओ ओ मैं एक ही बारी में सारे बोल दूँ। सारी बार हार जाएगी तो पांचों lifelines चली जाएगी। नहीं ऐसे थोड़ी ना। मैं ना इतना शरीफ नहीं हूँ पता है। Excuse me, एक lifeline गई है मेरी बस। हाँ तो चल आगे चलते हैं। एक बार फिर से बोलूँ, ओ lollies। No, two, sorry. चलो आगे, one lifeline gone. And I'm happy about it, because बहुत ही फाउंटेन निकल रहा है शैम्पू का ना। फोन तोड़ दिया सीरियसली। टॉयलेट सीट श्रेड कर रहे हैं, हो ही नहीं पाई, हो गई यार। सीरियसली कांट बिलीव टॉयलेट सीट श्रेड करके देख रहे हैं। मुझे लग रहा था मशीन टूट जाएगी बट इट्स नॉट सैटिस्फाइंग एट ऑल। टॉयलेट के पॉट कवर को श्रेड होते देखना इतना सैटिस्फाइंग कैसे हो सकता है। ये लो, अरे ड्रोन, ड्रोन मुझे दे, ड्रोन मुझे दे, ड्रोन। What बोला है? LOL. Expression आये. यार. ये तो मतलब कोई. तूने तो ऐसे ही क्या तेरे मुंह पे आ रही थी कोल्ड. कोई हो. Starting में दो lifeline हैं. 0-2-0. मैं खेल ही नहीं, मुझे नहीं खेलना, मुझे खेलना ही नहीं है ये गेम. मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है. ये बहुत tough है. Zero. यार कौन से देते? मिट्टी पलीत कर दी पूरे भुट्टे की. Troll. Control. मिट्टी पलीत. 10-20 rupees बर्बाद. कैन देखा कैसे ब्लास्ट हुआ है, पर कितना अच्छा लग रहा था ना वैसे देखने में, मतलब प्रॉपर लाइक कोई मैजिक ट्रिक चल रही हो जैसे सच में। और ये देख पॉप आउट कर रहे हैं, पॉपकॉर्न्स निकलते हैं ना जैसे बाहर, वैसे टॉयज ऐसे बाहर फ्लटर कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हो, मुझे कितना अच्छा लगता है ड्रॉइंग करते। टूथपेस्ट ये गाड़ी के नीचे प्रेस करते हो कितनी अच्छी लगेगी ना। न्यूटेला का जार तो छोड़ दो, इसमें कुछ सैटिस्फाइंग नहीं यार, ये तो दिल को दर्द देने वाली बात है, चोट दिल पे लग रही है मेरे यार। यार ये बहुत बदतमीजी कर रहा है। तब उसका पानी ने छोड़ दिया, कचोड़ दिया, सिप्पर तोड़ दिया बंदे ने यार। यार ये तो
बैड है ये पेपर है क्या है ये पेपर वो जो मिनी स्टिकी नोट्स नहीं होते उसको प्रेस कर रहा है सेलिब्रेशन टॉयज खत्म रूबिक क्यूब तोड़ दिया बुरी तरह ये कितना अच्छा है आई ऑनेस्टली वांट टू से कि भाई सच में क्या था ना चुक रेलगाड़ी गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल दिया उन्होंने okay, ये फिर से स्लाइम है पम्पकिन हेड पम्पकिन अच्छा लग रहा है यार देखने में मतलब हेलोवीन पम्पकिन आई सो बैडली वांट टू से द डब्ल्यू वर्ड बट आई वोंट क्योंकि बहुत ऐसा लगा कुरकुरे निकले अंदर से स्टिकी नोट्स को क्यों ऐसे प्रेस करे नहीं ये स्टिकी नोट्स ये वो है पंच ये स्लाइम है स्लाइम देखना तो अपने आप में इतना ये कैंडल्स ब्लैक कैंडल्स मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे मुंह पे आएगी एकदम ये पेंसिल्स फिर से ये भी करके दिखा रहा है ये एकदम मेल्टेड कैंडल बन गई है वैक्स निकल के आई है इसके अंदर से क्या कलर्स है यार कितने अमेजिंग आए ना मैं यही तो कह रहा था सीरियसली जलता हुआ दिया जलते दिए पिचकारी निकल गई उसकी ओके इट लुक्स वेरी नाइस टू मी बट मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी ये मोमोज है मोमोज ओह ये कैंडल्स थी आई थिंक ये चुकंदर चुकंदर बीट रूट रेड जूसी देखने में बहुत अच्छा था रियली मतलब मैं कुछ बोलना चाहती थी बट मैं नहीं बोलूंगी कोकोनट को क्रश कर दिया इन्होंने मत करो यार कितना हार्ड शेल होता है कोकोनट का और क्रश होते हैं मतलब सही यार हमें घर पे अगर कोकोनट तोड़ना हो यार हाइड्रोलिक मशीन वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन इंडिया हाइड्रोलिक मशीन विंस सीरियसली सब कुछ क्रश कर देती है यार एक बार मैंने कोकोनट में सर से ट्राई किया था टूटा ही नहीं सीरियसली मतलब वो ऐसी कंपटीशन में झेलने में तोड़ दे सीरियसली कर रहा था मुझे लगा तू मजाक कर नहीं सीरियसली मतलब वो फ्रेंड्स थे ऐसी तोड़ने के लिए ऐसे अपने सर से तो तेरे सिर पे वो मोटा हो जाता है ना वो है अभी नहीं यार यार होता है वो अरे फन था जोक में था सिर पे स्टिचेस आए यार तू आगे चल यू ओके राइट यार ओके ओके ये क्ले का इन्होंने एलिफेंट बनाया अरे उस बेचारे की आईज देख यार यार इस एलिफेंट से मुझे जो अभी रिसेंटली प्रेग्नेंट एलिफेंट के साथ स्टोरी हुई है गाइस आई जस्ट वांट टू से कि इट वाज द मोस्ट शॉकिंग न्यूज ऑफ माय लाइफ एवर वैसे भी हमारे आसपास इतनी ज्यादा एनिमल क्रुएलिटी होती है एंड हम लोग लीस्ट इतना कर सकते हैं कि अपने एनिमल्स के लिए थोड़ी सी अफेक्शन थोड़ी सी उनके लिए ह्यूमिलिटी रखें एंड मतलब एज ह्यूमन बींग्स हम इतना तो कर्टेसी रख सकते हैं कि उनको खाना नहीं दे रहे तो कम से कम जीने तो दें ओके ये थोड़ी सी हमारे टॉपिक से डाइवर्ट हो गई बट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज़ ये मुझे एक्चुअल में मतलब हम दोनों एकदम से स्टोरी वहां रिलेट हो गई ना मुझे फिर से गूज़बम्प्स आ गए हैं क्यूट सा एकदम एलिफेंट बेबी देखा तो बट गाइस बी वेरी वेरी अफेक्शनेट एंड काइंड टू एनिमल्स अराउंड यू तेरी लाइफ गई ओके ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा हर्ष की लाइफ चली गई बट यार वो कितना क्यूट टॉय था यार वो बाद में जब वो स्मैश हुआ ना वो उसके कलर्स वो कैसे बर्स्ट हुआ मतलब कुछ कलर्स आई थिंक उसके कलर्स मेन पॉइंट था वो उसको कुछ नहीं हुआ उसकी आईज देखी थी वाइट वाइट कैसे पॉप आउट करी हुई थी और अभी इसको देख फ्रॉगी लिटिल मिस्टर फ्रॉगी की टंग बाहर निकली हुई है प्रेरणा जैसी टंग है इसकी फ्रॉगी इज गॉन बाय मिस्टर फ्रॉगी मुझे दे दे यार घड़ी मत तोड़ मत तोड़ यार क्या है यार अपने फोन के अलार्म से तो उठता नहीं है इससे तूने जरूर उठ जाना है ओके शकरगंदी टूटते हुए पहली बार देखी है टूटते हुए कुचलते हुए कुचलते डिस्ट्रॉय होते हुए ये तेरे फेवरेट कॉर्न्स का यार प्लीज कॉर्न्स के साथ ऐसा मत करा करो यार मेरे को बहुत पसंद है कॉर्न्स सो प्रेस तो कितने अच्छे लग रहे हैं यार मतलब अलग लेवल ऑफ सैटिस्फाइंग वीडियोस है ये कितना क्यूट है यार कितना सही लग रहा है बंदा वाओ तूने वाओ बोला तूने क्यूट बोला ओके हाँ क्यूट इज नॉट एन इमोशन अच्छा क्या है फिर क्यूट क्या होता है क्यूट इज क्यूट यू आर क्यूट क्यूट यू आर क्यूट ओ क्यूट भी एक इमोशन वाओ इमोशन है प्रेरणा अच्छा हर्ष फाइन बट तेरी भी लाइफ गई है ओके ओके यार पर ये कितना क्यूट है सच ऐसे कान हिल रहे हैं इसके अरे और इसकी आईज भी कितनी क्यूट है उसका चश्मा कितना क्यूट है इसको तोड़ने में कितने क्यूटनेस की बेइज्जती हुई है कुछ भी कुछ भी कॉस्को की बॉल जो कि अब रही नहीं इस दुनिया में ब्रोकली तेरी फेवरेट ब्रोकली ब्रेड ना रोक इसको मना कर रुक जा जैसे वो रुकने वाला है मेरे कहने से ले
ये बिल्कुल सैटिस्फाइंग नहीं देखा। बॉल जो तू चाहता था हवा वाली बॉल भी निकाल दी। दिया था हाथ काट दिया उसने अपना, बट तू लूज कर गई अपनी लाइफलाइन। यू और कितना वियर्ड और क्रीपी और स्केरी था, मतलब सीरियसली मैं बिलीव नहीं कर सकती। डरा दिया था सच में, ये क्या डाल दिया अचानक से सीरियसली, मतलब और खून भी लगा दिया इन्होंने। हमें प्रैंक कर दिया गाइस, इन वीडियो वालों ने हमें प्रैंक कर दिया है। पर कोई नहीं, लाइफलाइन तो तेरी। व्हाटएवर इट इज दे हैव प्रैंक मी यार, हमें मतलब दोनों को ही। चल यार लास्ट लाइफलाइन है ये वीडियो तो आज। आई थिंक मैं मतलब किस इमोशन से बैठी हूँ मुझे भी नहीं पता। मैचस्टिक बॉक्स डाल दिया इसके अंदर, आग लग गई। सीरियसली यार ये क्या कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यार। ये अच्छा नहीं लग रहा, बट आग लग गई। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट वीडियो की आग। अच्छा वो फ्रिक्शन हुआ ना, वो ये बॉल्स वाली और भी जो हमने यूज करी थी वाली बॉल्स, कितनी क्यूट लगती है। मिस्टर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इज गॉन। क्रोकोडाइल के मुंह ऐसे हो गया, जबरदस्ती मुंह बंद करा दिया। जबरदस्ती एग्जैक्टली टूट गया बेचारे का मुंह टूट गया। स्लाइम, स्लाइम कुछ नहीं होगा, पता है स्लाइम कुछ नहीं होता। कितना अपने आप में अमेजिंग है ना यार, कितना वेट होगा कार का, देख कुछ नहीं हुआ उसको, कुछ नहीं हुआ उसकी, सिर्फ शेप कर लो जो फिर वैसे ही हो जाता है। कर, ओह माय गॉड, ये जान पूछ सिजर से पॉप कर रहा है। अब ये गया ये यार, ये करने में ही बहुत। ओह माय गॉड तेरा गया यार, ये बहुत ज्यादा अच्छा था यार, ये इतना क्यूट है कोई कैसे रेजिस्ट कर सकता है। तो प्रेरणा फाइनली ये चैलेंज है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकलते तो कैसा लगता ना, मतलब स्लाइम हाथ लगाने में मुझे अच्छा नहीं लगता, बट जब वो बर्स्ट करता है एकदम से तो एक अलग ही फीलिंग होती है, वही है ना ऑडली सैटिस्फाइंग, ऑडली सैटिस्फाइंग। तो गाइस आई होप आपको भी ये वीडियोस देख के काफी ज्यादा रिलैक्सेशन और एक सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग तो हुई होगी, एकदम रिलैक्स फीलिंग आ जाती है वीडियोस देख के। अगर आई है तो कमेंट्स में जरूर बताना आपको कितना मजा आया और आपकी कितनी लाइफलाइंस गई, क्या अभी आपके पास 5 लाइफ्स बची हुई हैं। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो वो भी बताना। गाइस डू सब्सक्राइब वंडर्स अप, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग।